नागपुर शहर पुलिस ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को हिंसक आंदोलन के लिए उकसाने के आरोप में विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को नोटिस जारी किया है। उसे नागपुर पुलिस ने 22 फरवरी को नागपुर में पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है। पूछताछ के दौरान जरूरत पड़ने पर नागपुर पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। रविवार को इसी मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने हिंदुस्तानी भाव को जमानत दे दी थी, लेकिन अब नागपुर पुलिस के भी नोटिस जारी करने से हिंदुस्तानी भाई की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस साल भी कोरोना के प्रकोप के चलते स्कूली ऑनलाइन जारी थी, इसलिए राज्य भर के विभिन्न शहरों में हजारों छात्रों ने 31 जनवरी को 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। हालांकि पुलिस को छात्रों के इस आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक हजारों छात्र एक साथ आ गए और आंदोलन करने लगे। इस बीच नागपुर में कुछ छात्रों ने पथराव किया और कई बसों के शीशे भी तोड़ दिए। मुंबई पुलिस ने छात्रों को हिंसक आंदोलन के लिए उकसाने के आरोप में विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार किया था। हालांकि हिंदुस्तानी भाव को हाल ही में जमानत दी गई है, लेकिन लगता है कि हिंदुस्तानी भाई के सामने कानूनी मुद्दे कम नहीं हुए हैं, क्योंकि अब नागपुर पुलिस ने भी हिंदुस्तानी भाव को नोटिस जारी किया है। वो जो एक गुना पुराना पहले दाखिल हुआ था, उस मैटर में उसको दूसरे ऑफेंस में शायद बेल मिली है, उनको पहले नोटिस दी गई थी यहाँ आने के लिए, बट वो शायद उनकी जमानत नहीं हुई थी इसलिए वो आए नहीं थे। अभी उनको हम स्टेटमेंट के लिए यहाँ बुलाने के लिए नोटिस भेजा है, आने के बाद उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इस केस में उनकी रोल के बारे में आगे निर्णय ली जाएगी। कायदेशीर प्रक्रिया के अंतर्गत पूरी कार्रवाई होगी। बता दें कि विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। उन्हें टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम पर उनके 1.4 मिलियन फॉलोवर्स है, तो वहीं फेसबुक पर हिंदुस्तानी भाऊ के 1.1 मिलियन फॉलोवर्स है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।